मॉर्निंग फ्रेंड एंड अ वेरी हैप्पी संडे एंड अ हैप्पी टीचर्स डे। ये आयुष ने अपना टीचर के लिए ये थोड़ा से पेंटिंग किया था और उसका लिए ये मैंने गिफ्ट दिया है उसका टीचर्स डे स्पेशल, और वो बहुत दिन से उसका इच्छा भी था तो मैंने उसके लिए ये खरीद के दिया था। स्कूल के लिए हम निकले थे, हम और मेरा हस्बैंड, टीचर्स डे के पहले अगले दिन मीन्स अगले दिन आगे मीन्स सैटरडे को, जो शिवली का लिए जो उसका कॉलेज का नाम उठने वाला था, तो कहा था कि माँ प्लीज़ के दास में जाके देख के आओ वहाँ कॉलेज में नाम उठा है कि नहीं। तो वहाँ पर ही जाके मैंने देखा कि कोई भी लिस्ट नहीं टंगाया, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो लोग कहा था कि आप लोग नेट में ही सर्च करो, वहीं से आप लोग को पूरा डिटेल मिलेगा। तो ये है शिवली का। और उसके बाद तो थोड़ा दूसरा दिन जब टीचर्स डे था उस दिन थोड़ा चर्च गया था मॉन्डेली का, बहुत दिन मीन्स 1.5 महीना बाद मैं चर्च गया था तो बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा से आप लोग से शेयर भी किया। तो ये है के दास कॉलेज जहाँ पर मेरा शिवली भर्ती होगा। यहाँ लिस्ट में नाम उठा है, बट पता नहीं कहाँ पर ही उठा है, देखते हैं। तो ये है कॉलेज, आप लोग देखो केकेदास कॉलेज, यहीं पर ही शिवली भर्ती होगा। और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप होगा, मीन्स एडमिशन होगा, तो उसके बाद फिर जब लिस्ट होगा उसमें जब नाम उठेगा तो वो यहाँ पर ही आके चेकआउट करना होगा। तो अभी यहीं कुछ नहीं है, बट मैं आप लोग को दिखलाना चाहती थी क्योंकि बाद में मैं फिर आऊँगी कि नहीं नहीं पता, क्योंकि सभी अभी ऑनलाइन में हो रहा है। तो हाँ, फर्स्ट डे जब ज्वाइन करेगा तब शायद मैं आऊँगी, बट उस टाइम में मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि थोड़ा भीड़ रहेगा, क्राउड रहेगा। तो आज थोड़ा खाली है तो मैं आप लोग को दिखला रही हूँ, तो आप लोग देखो कैसा लगा बताना ज़रूर। ओके, बाय, सी यू। ये मेरा मम्मी के घर पे, मम्मी ने पूरा मेहनत किया है और ये नाड़ू बन गया है, आधा तो पूरा टोकरी में बन ही गया है। जो मैं आप लोगों को जो उंगली से दिखला रही हूँ वो जो शेप, वो इतना अच्छा से मेरा मम्मी ने सारा दिन छुट्टी लेके सारा दिन पूरा, बोलने से तो कहो सारा दिन ही लगा दिया है, लेकिन इतना औसम बनाता है मेरा मम्मी। और हम नहीं बनाते क्योंकि मुझे पहला बात तो आता नहीं है, और हर चीज़ जो आता नहीं है वो बात गलत है, बट फिर भी जो चीज़ मम्मी का हाथ का बनता है ना तो वो मैं नहीं बनाती हूँ, तो क्योंकि अच्छा टेस्ट तो मम्मी का हाथ से ही आता है। तो मेरा बेटा का बहुत दिन से शौक था तो मैंने मम्मी को कहा था, तो मेरा मम्मी साल में एक बार तो थोड़ा मेहनत करता ही है मेरे लिए एंड स्पेशली आयुष के लिए। ही लव्स अनारू, नाड़ू बोलो, नरियल वाला या क्या बोलता है उसे, मोदक बोलो या ताल का बड़ा बोलो, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मम्मी ने बनाया है और मैं थोड़ा लास्ट में गया था, मम्मी ने कहा था थोड़ा आ जाना थोड़ा उसको मदद करना, लेकिन मैं लास्ट में पहुंची थी, लेकिन मम्मी का तब तक तो सोचो आधा फिनिश्ड हो गया था। तो ये कोई जन्माष्टमी का नहीं है, ये बाद में है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल में हम लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसके लिए अलग सा टाइम लगता है। और पूजा तो हम लोग नहीं, मैं तो नहीं करती क्योंकि मेरा सासू माँ करता है, तो वही सब कुछ बना लेता है अपना पूजा के लिए, देवरानी है वो कर लेता है, और ये सब जो होता है वो मैं नहीं करती क्योंकि मुझे आता नहीं है पहले बात। Thank you.
প্রার্থনা করব কোয়ারের জন্য, যেন প্রভু কোয়ারের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, মহিমান্বিত হয়। आयुष का जो स्कूल है ना, वो स्कूल एक नया स्कूल खुला है, एक ही ब्रांच का है बट वो एरिया अलग है। तो आज हम लोग को वहाँ पर ही जाके फीस देना पड़ा था और एग्ज़ाम पेपर जमा देना पड़ा था। तो वहीं पर ही ये वाला जो पॉन्ड है ना, यहाँ पर ही ये जो क्या बोलते हैं, लोटस के जैसा लग रहा है बट दिस इज़ नॉट अ लोटस, ये ना एक साफला कहता है। साफला जो विश्वकर्मा पूजा में कहता है ना, वो रानना पूजा में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये वो है, ये एक कड़ी बन रहा है आज। कल तो चिकन बना था, कल टीचर्स डे था, तो कल टीचर्स डे के लिए देखो मेरा आयुष का स्कूल में फेस्टिवल था बट मेरा थोड़ा क्लास चल रहा है, जो मैं सरप्राइज़ रखी हूँ। मैं आप लोग से बाद में शेयर करूँगी वो सरप्राइज़ क्या है, पहला तो मैं ठीक से सेट हो जाऊँ, उसके बाद तो बस उसी क्लास के लिए मैं अपना आयुष को लेके स्कूल में नहीं जा पाई। तो और चर्च भी था कल, हैप्पी वाला संडे था, कल चर्च भी था, चर्च अटेंड किया। चर्च अटेंड करने के बाद हम वो क्लास ज्वाइन किया। और तो स्पेशल कुछ भी नहीं है, आयुष थोड़ा टीचर्स डे के लिए थोड़ा पेंटिंग किया था, छोटा मोटा कुछ भी। तो और वो ब्रश को वाटर कलर चाहिए था तो वो ब्रश खरीदा, तो बस यही था, सिंपल सा था। और शूली का लिए गया था उसका स्कूल का देखने, के दास इंड्यूस को किसी में भी अगर नाम उठा तो, अभी देरी होगा, लेट में होगा। और ये है पटल आलू पेपे, देखिए एक सब्जी, सॉरी पटल नहीं है, बैगन आलू पेपे, देखिए एक सब्जी बना रही, जो ये मेरा बहुत फेवरेट है। सिंपल जो मसाला होता है वही मसाला देखिए फ़ौरन देके मैंने बैठा दिया। और इसमें तो प्याज है, अदरक लहसुन, जीरा, सॉरी जीरा नहीं खाते हैं, धनिया, हल्दी, नमक जो होता है बस वही है। और अब मसाला को अच्छे से भून लूँ, तेल निकल के आएगा तो मैं ये एग, इसमें पटेटो नहीं ऐड करूँगी, बस सिंपल से ही बनाऊँगी। कल चिकन बनाया तो थोड़ा तो चिकन है तो आयुष का हो जाएगा, तो बस यही है सिंपल। और ये एक कड़ी और ये सब्जी और चावल, बस और कुछ नहीं बनेगा आज लंच के लिए। तो तेजपत्ता भी दिया है, काला जीरा फोरन दिया है, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी जो होममेड जो मैं बनाती हूँ, बस वही। और आज स्कूल में भी जाना है, आयुष का पेपर सबमिट करना है, सब पेपर जो उस एग्ज़ाम दिया था। और क्राफ्ट बनाया था, जो रेनकोट था कागज का, बिल्ली का, बिल्ली नहीं था वो, मेंढक, मेंढक का फेस बनाया था कागज देके, फिर नेस्ट बनाया था। ये सब क्राफ्ट है जो जमा देने होगा और पेपर सबमिट करना होगा, ड्राइंग जो सब था एग्ज़ाम में। तो आज जाना पड़ेगा, फिर स्कूल का फीस भी देना है, तो बहुत काम है आज। देखिए आज ये टीचर्स डे का जो भी मैंने किया है मैं अपलोड कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। चलो और ये एग मैं ऐड कर दिया, तो ग्रेवी ऐसा ही रहेगा क्योंकि आज हम दाल नहीं बनाया। ए बाप, तो बस। और अगर ये है मेरा सब्जी जो बहुत अच्छा होता है, टेस्टी बनता है। और मेरा ये एक कड़ी आपको कैसा लगा तो बताना ज़रूर, सिंपल सही है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, मैं जैसी भी बनाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है एक कड़ी। और ये मेरा सब्जी, ये देखने में अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये बहुत स्वाद है, मेरा तो बहुत फेवरेट है। थोड़ा आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही। लेकिन ऐसा सब्जी में ना थोड़ा सा चीनी शुगर ऐड करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये व्लॉग, मेरा आयुष का थोड़ा ड्राइंग, और हम लोग ताल का बड़ा बनाया था, मेरा मम्मी ने बनाया था वो, और कैसा लगा बताना ज़रूर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। और प्लीज़
बेल आइकन को क्लिक करना भूलना नहीं, और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना मेरा ये चैनल। और आप लोग का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो प्लीज़ 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 मेरा ये चैनल को थोड़ा से आगे बढ़ा दो तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी आप लोग का ही आशीर्वाद से। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, लव यू फ्रेंड, बाय, सी यू।